हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां पर PXR नेटवर्क के बारे में हम बात करने वाले हैं। काफी क्वेरीज है PXR नेटवर्क को लेके आप में से काफी लोगों की, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली सॉल्व हो जाने वाली है। साथ ही साथ इसका फ्यूचर और लॉन्च डेट, साथ ही साथ प्राइस प्रेडिक्शन, वो भी हम देखने वाले हैं, डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो अगर PXR माइनिंग अगर आप करते हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक जरूर से देखना। इन्फॉर्मेशन सही लगे तो लाइक भी गाइस जरूर से करके जाना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि इसकी वेबसाइट पर हम आ चुके हैं, आप देख सकते हो वेबसाइट पर आपको तीन चार ऑप्शन नजर आते हैं गाइस, सपोर्ट, रोड मैप, ब्लॉकचेन, मोबाइल ऐप। तो अगर आप इनको वन बाय वन चेक करते हो, जो कि वेबसाइट पर आपको नजर आई जाते हैं, जैसा कि रोडमैप की अगर हम बात करें, तो कई बार हमने ये देखा हुआ है जहां पर ट्रेडिंग लॉन्च इन्होंने बताया हुआ है अप्रैल में, यानी कि जो क्वार्टर टू है 2024 का अप्रैल में, यानी कि एक ही महीना बचा हुआ है गाइस, तो अप्रैल में हमें ट्रेडिंग लॉन्च इसका होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसा कि अगर आप जाते हो ब्लॉकचेन वाले सेक्शन में यहाँ पर, तो ज्यादा कुछ डिटेल्स हमें नहीं देखने को मिलती है। जैसा कि सिंपल से इन्होंने लिखा हुआ है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क होने वाला है और आगे जाकर ये PXR बैंक पर इसको लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं जो नोड्स हैं वो सारी चीजें कंप्यूटर रिकॉर्डेड रहेंगी और जो ट्रांसफर होगा वो बैंक की तरह लेकिन ब्लॉकचेन पर होगा। तो ये इस तरह की ओवरऑल इनकी यूटिलिटी होने वाली है और जो इनका विजन है वो इनके जो यूजर्स हैं, जो अर्ली यूजर्स हैं जिन्होंने नेटवर्क को कहीं ना कहीं बिल्ड करने में हेल्प की है, उनको वैल्यू देना है, ऐसा इन्होंने बताया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप सपोर्ट वाले उसमें जाते हो सेक्शन में, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आता है। यहाँ पर सिंपल सा ये एक ईमेल आपको मिलता है help@pxrnetwork.com, यहीं पर आप अपनी क्वेरीज वगैरह को डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, ट्विटर, ये तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली है ही सही, तो वहाँ पर भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइस क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है कुछ लोगों के दिमाग में, क्योंकि एक BNP नेटवर्क नाम से भी एक माइनिंग ऐप है जिसको मैं भी माइन करता हूँ, बट वो और ये सिमिलर नज़र आते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरफेस को लेकर भी, और काफ़ी इनका KYC का जो सीन है वो सारी चीज़ें सेम नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर स्कैम या फेक भी इसको बोला जा रहा है और हो भी सकता है गाइस, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिकॉज जब हमने आइस के बारे में भी गाइस सबसे पहले कभी बात की थी, तो स्टार्टिंग में अगर आप उसका ट्रस्ट स्कोर देखोगे, अगर आपने जैसे कि एक वेबसाइट है scamadvisor.com, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आइस नेटवर्क का भी जो ट्रस्ट स्कोर था वो सिर्फ था 21%, लेकिन दिन ब दिन वो बढ़ गया और आज की डेट में उसका 90 से भी ऊपर है। उसी तरह से PXR नेटवर्क की जो वेबसाइट है गाइस, जैसा कि ये वाली जो वेबसाइट है, इसका इंटरफेस भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो उतना ज़्यादा ऑफिशियल प्रोफेशनल तो नहीं लगता है, बट काफ़ी सारे माइनिंग प्रोजेक्ट ऐसे हिस्ट्री में हो चुके हैं जिनका भी इसी तरह से वेबसाइट था लेकिन उन्होंने वैल्यूज़ दी हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं सस्पेंस रहता है गाइज, यहाँ पर 50-50 चांस क्रिएट हो जाता है हमेशा से। बट कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो PXR नेटवर्क की माइनिंग जो लोग कई लंबे टाइम से कर रहे हैं, कुछ महीनों से कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही महीना बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें अभी भी माइनिंग करते हुए रहना चाहिए। चाहिए स्कैम भी हो सकता है गाइज, क्योंकि हम यहाँ पर कोई इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, एयरड्रॉप हो गया, माइनिंग प्रोजेक्ट हो गए, दोनों ही कहीं ना कहीं एक ही कैटेगरी में हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो होता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी तरह से माइनिंग प्रोजेक्ट भी जो हमें कन्वीनियंट लग रहे हैं या फिर जो नए लॉन्च हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, तो उनमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गाइज, जो ये स्कैम वाला वर्ड है, इसको आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लीजिए अपने दिमाग में कहीं पर भी, और इसको इतना हावी मत होने दीजिए कि आप चूज़ करने या गलती करने में या कुछ अच्छे प्रोजेक्ट को भी आप मिस कर जाएं। बस हमें जो फ्री में हो रहा है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रिमाइंडर रहता है, बट वही हमें करना पड़ता है। अब चलते जो मेन अपडेट है गाइज उस पर, जैसा कि हम देख सकते हो कि जो PXR नेटवर्क है, अगर ये तो या तो स्कैम फेक होता है फिर तो कोई कुछ फ़ायदा है ही नहीं, फिर तो काफ़ी नुकसान हो गया, हमारा टाइम वेस्ट भी हो गया। बट अगर ये लॉन्च होता है, जो कि लग भी रहा है कि लॉन्च हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये अपडेट वगैरह दे रहा है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी अगर हम देखेंगे ट्विटर पर, तो थोड़ी टीम भी एक्टिव है फिलहाल कुछ दिनों से, तो खासकर जैसा कि यहाँ पर 22 घंटे पहले भी इन्होंने ट्वीट किया था, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कुछ प्रॉब्लम्स, इशू वगैरह अगर आपको आ रही हैं, जो भी विनिंग कर रहे थे प्राइज़ वगैरह इनके कॉन्टेस्ट में, तो उनको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी सॉल्व हो गई हैं, तो वो इनको रेज भी कर सकते हैं क्वेरीज को ईमेल के अंदर आकर। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि काफ़ी PXR माइनर्स या काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो PXR की लिस्टिंग है उसके बारे में पूछते हैं, तो इन्होंने PXR नेटवर्क के उसका जवाब देते हुए बोला है कि PXR हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन आर्बिट्रम। तो गाइज ये आर्बिट्रम पर लॉन्च तो हो गया, ये चीज़ हमने लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जैसा कि ऑलरेडी अगर हम जाएंगे आर्बिट्रम स्कैन के अंदर, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो rbscan.io ओरिजिनल वेबसाइट है, मैं इसी पर लाइव हूँ। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मैंने यहाँ पर सर्च किया तो ये डिटेल हमें देखने को मिलती है। अब गाइस थोड़ी सी अगर हम लेजिटपन का अगर देखें थोड़ा सा हिसाब किताब, तो आप देख सकते हो कि जो वॉलेट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप देखोगे तो इन्होंने ट्रांजेक्शन ये किया होगा, क्योंकि एक ही वॉलेट में ट्रांजेक्शन इसका हुआ है अभी, क्रिएट PXR नेटवर्क जो इसके ओनर होंगे, सारे के सारे कोइन एक ही वॉलेट के अंदर पड़े हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हालांकि इसका वेरीफाइड है आर्बिट्रम स्कैन के द्वारा। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन फीस थोड़ी बहुत लगी होगी, इस वजह से आपको $2.53 का यहाँ पर एक वैल्यू नज़र आता है, जो कि ARB टोकन्स में आपको मिल रहा है यहाँ पर।
कहीं ना कहीं एक इस तरह से अगर देखें तो ये तो हर कोई कर सकता है। आप भी अपना टोकन जो है वो पैनकेक स्वैप बीएससी स्कैन कहीं पर भी लॉन्च कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फंड इसका इतना बड़ा फिलहाल नहीं है बिकॉज लिक्विडिटी अभी तक ऐड नहीं हुई है, क्योंकि वो अभी उसमें टाइम बाकी है। जैसा कि इन्होंने कह रखा है कि अप्रैल में ही वो चीज़ शुरू करने वाले हैं। अगर आप इसके टोकन ट्रैकर को भी अच्छे से देखोगे, जैसा कि मैंने क्लिक किया आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, तो टोटल सप्लाई इसकी 78 मिलियन है गाइस। ज़्यादा सप्लाई इन्होंने नहीं रखी है, जो पीएक्सआर कॉइन थी इसकी सप्लाई सिंपल इन्होंने 78 मिलियन बता रखी है। होल्डर इसका सिर्फ एक है, यानी कि वही जैसा कि मैंने अभी बोला आपको कि एक ही अकाउंट के अंदर ये सारा का सारा चीज़ पड़ी हुई है। 52 डेज अगो ये हो चुका था, जैसा कि 15 जनवरी को ही इन्होंने अनाउंसमेंट दिया था, और उससे पहले शायद ये चीज़ हो गई होगी, बट हमको अनाउंसमेंट इन्होंने 15 जनवरी को ही दी थी। अगर आप इसके ट्विटर पर देखोगे, जो कि पिन पोस्ट में भी इन्होंने रखा हुआ है, अगर आप टॉप पे जाते हो बिल्कुल आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो 15 जनवरी को इन्होंने ये पिन करके रखा हुआ है पोस्ट को, जहाँ पर इन्होंने बताया था कि ये ऑफिशियली लॉन्च हो चुके हैं आर्बिट्रम ब्लॉकचेन पर। अब गाइस आर्बिट्रम ब्लॉकचेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है अभी के टाइम पर, काफ़ी नए प्रोजेक्ट वहाँ पर लिस्ट हो रहे हैं ऑलरेडी। और कहने के अगर आप देखोगे, अगर इथेरियम लेयर 2 या फिर आर्बिट्रम, इस तरह की ब्लॉकचेन काफ़ी ज़्यादा कहने की सस्टेनेबल हैं, इस वजह से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च भी हो रहे हैं। अब इन्होंने काफ़ी सारे जवाब ऑलरेडी दिए हुए हैं कि वाई आर्बिट्रम, यानी कि आर्बिट्रम ही हमने क्यों सेलेक्ट किया, तो वो भी आप थोड़ा सा देख सकते हो कि ग्रेट इंक्लूसिवली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, साथ ही साथ अल्ट्रा लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, जैसा कि इथेरियम ब्लॉकचेन के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली कम होती है, लेकिन बाइनेंस स्मार्ट चेन भी काफ़ी अच्छा खासा है, वहाँ पर भी लो कॉस्ट रहती है थोड़ी बहुत। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप फिर से वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पर है डेसिमल 18 है, और सप्लाई इन्होंने सब कुछ बता रखा है। बाकी मेन जब ये लॉन्च होगा तभी हमें असलियत पता चलेगी कि क्या होने वाला है गाइस। अब जो लोग ये पूछते हैं कि हम माइन क्यों करें, क्योंकि ये तो फेक है, या फिर हो सकता है ये स्कैम कर जाए। अब स्कैम कर भी जाएगा गाइस, तो आपका एक कहीं ना कहीं अगर लॉजिकली देखें तो आपका इतना बड़ा पैसा तो नहीं लग रहा है यहाँ पर। हाँ, एफर्ट जरूर है, और ये चीज़ एयर ड्रॉप में भी होती है, तो काइंड ऑफ एयर ड्रॉप हम इसको ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमें जो माइनिंग है उसको शुरू रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि बंद कर दो। और मैं ये रिकमेंड आपको बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि अगर प्रीवियस थोड़ा सा टाइम जाकर हम बात करें तो एक प्रोजेक्ट हमने और भी डिस्कस किया था, जो कि काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने भी आपको बताया था एक कोर के बारे में, जो कि कोर का बैक्ड कॉइन था गाइस, लेकिन उसने भी स्कैम किया था। इवन उसने कुछ ट्रांजेक्शन करवाए थे जहाँ पर कोर में गैस फी भी लगी थी, तो कुछ लोगों का गैस फी भी लगा था, थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है, तो उसकी कम्युनिटी भी 4-5 लाख से बड़ी हो गई थी ट्विटर पर अगर आप देखोगे। हालांकि इसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी तो नहीं है फिलहाल, अगर आप देखोगे ट्विटर पर इनके फॉलोवर हैं लगभग, अभी मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1,67,000 के आसपास फॉलोवर है। कम भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि काफ़ी कम है, बट ये भी नहीं कह सकते कि काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो गाइज मेरा ओवरऑल जो ओपिनियन रहता है वो 50-50 रहता है। हो सकता है कि अगर काम कर जाए, चल जाए, तो ये अच्छी खासी वैल्यू दे सकता है। अब अच्छी खासी वैल्यू को दे सकता है, काइंड ऑफ प्राइस प्रेडिक्शन पर अगर हम बात करें तो गाइज आप देखिए कि एक तो आरबी स्कैन पर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट, इवन ये कह सकते हैं कि जो ईवीएम कंपेटिबल ब्लॉकचेन है, साथ ही साथ 78 मिलियन इसकी सप्लाई, यानी कि मिलियन में ही इसकी सप्लाई है, तो इसका मार्केट कैप अगर काफ़ी कम भी रहता है, लाइक 7-8 मिलियन भी रहता है, 4-5 मिलियन भी रहता है, तो इससे वैल्यू अच्छी खासी मिल सकती है। लाइक एक अगर मिनिमम सिनेरियो में भी चेक करें तो एक PXR की वैल्यू 8-10 रुपये 20 रुपये आराम से हो सकती है गाइज। और आगे जाके इन्होंने ये भी बताया हुआ था अपनी एक अपडेट में कि बर्निंग भी ये रख सकते हैं, यानी कि सप्लाई 78 मिलियन है, इसको फर्दर मिंट नहीं किया जा सकता, इवन अगर बर्निंग होगी तो सप्लाई कम ही होने वाली है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं उसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं हमें अच्छी खासी नज़र आ सकती है अगर ये लॉन्च होता है तो गाइज। ऐसे आपको और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप उनको माइन करना तो शुरू कर दीजिए, बट गारंटी गाइज किसी भी एयरड्रॉप की या किसी भी माइनिंग प्रोजेक्ट की खासकर नहीं होती। जैसा कि एथेन की भी अगर हम बात करें, रिसेंटली कल ही मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, तो एथेन पर अभी ट्रस्ट स्कोर लोगों का बढ़ गया बिकॉज पाई नेटवर्क के साथ उसकी पार्टनरशिप आई थी। ऐसी कोई न्यूज़ अगर PXR में भी आती है तो ट्रस्ट स्कोर तो क्या चीज़ है वो बढ़ जाता है गाइज, एक सिंपल सी चीज़ से भी बढ़ जाएगा। अगर ये अपना वाइट पेपर या फिर थोड़ा सा अपग्रेड अपनी वेबसाइट को कर देते हैं तो ट्रस्ट स्कोर तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है गाइज। तो बस मेरा आपको रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जो लोग लंबे टाइम से माइन कर रहे हैं या नए यूज़र भी हैं तो आप माइन करना इसको शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं जा रहा है गाइज। सिंपल सा आप 24 आवर में एक बार ऐप के अंदर आते हो, उसको क्लिक करते हो, इनकी अर्निंग तो उससे हो रही है डेफिनेटली, बट आपका ऐसा कि पैसा नहीं जा रहा है, तो इस वजह से आप करते रहिए। हो सकता है शायद से हमें वैल्यू अच्छी खासी मिल जाए, जैसा कि आइस से मिली थी, अवाइव से मिली थी, या फिर उससे पहले भी एक दो प्रोजेक्ट थे, या एयरड्रॉप, आप अगर एयरड्रॉप की भी बात करें तो वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी इससे मिल सकती है, क्योंकि सप्लाई काफ़ी कम है। आर्बिट्रम ब्लॉकचेन पर ये लॉन्च हुआ है, और साथ ही साथ PXR बैंक जो कि अलग टाइप का एक यूटिलिटी है, जो हो सकता है कि आने वाले टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बूम कर जाए मार्केट के अंदर,
तो ये दोनों सीनेरियो बनते हैं। तो ये काइंड ऑफ रिव्यू था गाइस, क्योंकि काफ़ी लोगों के डीएम्स मुझे ऐसे ऐसे देखने को मिले थे, तो ये वीडियो में इस तरह से बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आपको हिंट देना चाह रहा हूँ। आप बस माइंड करते रहिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, टाइम पर समय के साथ वो हमें पता चल ही जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई नई अपडेट आती है, कोई इनसाइडर खबर आती है तो वो मैं आपको डेफिनेटली बता ही देता हूँ। बाकी कुछ और माइनिंग प्रोजेक्ट भी उनको आप माइंड करना जरूर से शुरू कर देना, रेफरल कोड आप जरूर से यूज़ करना ताकि आपको भी थोड़ा सा बोनस मिले और मुझे भी साथ ही साथ थोड़ा बहुत फायदा हो। डेफिनेटली लाइक कर देना, बाकी कमेंट कर देना आप क्या सोच रहे हो PXR नेटवर्क के बारे में। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।